जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों से लड़ते हुए सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। मंगलवार को अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मेरठ के रहने वाले मेजर केतन शर्मा शहीद हो गए। 29 साल के केतन शर्मा अभी कुछ ही दिन पहले छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे और परिवार से वादा किया था कि जल्द ही घर वापस आएंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। आराम। मेरा नाम कर्नल आरके शर्मा है, मैं ज़िला सैनिक अधिकारी हूँ और मैं मेरठ में पोस्टेड हूँ। आज हम कंकड़खेड़ा में हैं, जहाँ पर हमारे एक ऑफिसर जिन्होंने अपनी शहादत दी है जम्मू एंड कश्मीर में, ये 19 RR में पोस्टेड थे। इनकी जो पेरेंट यूनिट थी वो 57 RR है, जो इस वक्त मेरठ में है। ये उस यूनिट के थे, लेकिन ERE पे 19 RR गए हुए थे एक ऑपरेशन के दौरान, जिसमें 3 कैजुअल्टीज़ हुई, उसमें से एक फेटल जो इन मेजर साहब की हुई और 2 को बुलेट इंजरीज लगी हैं जो सीरियस हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। उनके मॉर्टल रिमेंस कल सवेरे 10:30 बजे श्रीनगर से जहाज़ द्वारा दिल्ली आएंगे, जहां पर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल साहब रावत साहब, वो आप उनको श्रद्धांजलि देंगे 12:30-1 बजे। उसके बाद वहां से चॉपर अरेंज करने की कोशिश की जा रही है, चॉपर से या रोड द्वारा उनके मॉर्टल रिमेंस को यहां पर लाया जाएगा और कल शाम को दिन ढलने से पहले उम्मीद करते हैं कि कल उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको पूरा कल बता दिया जाएगा, जो पैतृक गांव नहीं जाएंगे, यहीं पर होगा, मेरठ में ही होगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आर्मी की और हमारे जो आर्मी की तरफ से और हमारे जो सैनिक कल्याण अधिकारी हैं उनको भी रिटर्न में आया। हमारे छट्टापुरी जो कंकरखेड़ा थाने में आते हैं, उसमें हमारे मेजर जो है वो जो है शहीद हुए हैं, 19 RR बटालियन के हैं, तो हम उनके आवाज़ पर आए हैं। ठीक, नहीं अभी नहीं, ये तब आपको बाद में अभी बता देंगे, अभी साहब को जाने दें।